मांझी सारण जिला समाहर्ता राजेश मीणा द्वारा मांझी प्रखंड के ताजपुर पंचायत के पंचायत भवन पर बैठकर पंजीयन बुक की जांच की गई। पंजीयन बुक में त्रुटि पाई गई। पंचायत सचिव का वेतन बंद करने का आदेश दिया। आरटीपीएस कर्मी का भी वेतन रोक दिया गया। पीआरएस के साथ कर्मचारी का भी वेतन रोक दिया गया। नाला के साथ हर घर नल योजना का भी जांच की गई। मुखिया मनीष कुमार के कार्य की सराहना की। उप प्रमुख मनोज सिंह ने जिला समाहर्ता द्वारा जांच को सराहनीय बताया। महाराजगंज के स्वर्ण प्रकोष्ठ निरंजन सिंह ने ताजपुर सड़क डुमाईगढ़ सड़क का मुद्दा उठाया। उक्त मौके पर डीसीएलआर सारण प्रखंड विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार सिंह, सीओ धनंजय सिंह, मनरेगा पदाधिकारी, मांझी इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। कौन ऑपरेट करता है? यही काम करवाई है, पूरी पांच ही काम करवाई है। नियम बता दिया सब लोग, राइटिंग में बता है, राइटिंग में लिखा हो जो वार्ड मेंबर है वो सब करेगा। इसको घर बना लिया वार्ड मेंबर साहब, पुराने वार्ड मेंबर साहब इस्तीफा दे दिया, वार्ड यहाँ के इस्तीफा दे दिया, तो पंच ही काम करवाए हैं। तो उसमें अंदर में क्या बोलते हैं, ये पर्सन थोड़ी रहेगा व्यवस्था रहने की घर नहीं है, पसंद नहीं है। तो आप क्या खाली कर दीजिए और पुराना लीक कर रहा है। इसमें जो सरकार का नियम है उसमें जो वार्ड मेंबर जो भी रहेगा वो उसको देखेगा, ठीक है। आप जब भी जमीन दिए होंगे कोई सोच थोड़ी दिए होंगे भी क्या कहते परमानेंट हम वार्ड मेंबर रहेंगे। वैसे नहीं अब दिया, बहुत अच्छी बात है, सरकार की योजना बनाया है सबके लाभ के लिए है, गांव के लोग इसके स्कीम का लाभ उठाता है, ऐसा थोड़ी है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए इसको। बी डी साहब यहाँ पर भी आपको लिखाना पड़ेगा स्कीम का नाम। जी सर, इसको कब से लाते हैं उसे मेंशन करना पड़ेगा, इसका ऑपरेटर कौन है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, सभी चीजों को इसमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। पासबुक कैशबुक सर पूरा टूट जाता है, लड़की या लड़का गिर जाते हैं। मैंने कोई भी आदमी अगर जाता है ना तो एकदम शर्मिंदगी लगता है। देखिए सर कैसे स्थिति यही है, यहाँ का पैसा भी ऑलरेडी पैसा उठ गया, अलॉट हो गया, पैसा जो ऐसा ढलाई वाला उठ गया है सर, समझ गए। ठीक है, आप पर भरोसा है सर, हो जाएगा जी। देख लीजिए हमने रोड अगर आप योजना के बाकी चार दिन में आप बैठेंगे ना, वही सरकार के अपनी मर्जी से तुम आप ब्लॉक में बैठोगे। आपने यहाँ पर कितना लोग आरटीपीएस में क्या सर्विस दी हमको दिखाई, रिकॉर्ड बताइए सर। रिजर्वी पासवर्ड नहीं मिला, रिजर्वी पासवर्ड नहीं मिला सर, बात करके उसको लीजिए, कोई समस्या है तो खींचे जामुन के लिए जाएंगे काम करने के लिए। इनका तुरंत वेतन काटिए, रोकिए इनका वेतन अभी। लास्ट वार्निंग, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल देंगे यहां से हम, समझ गए। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम कर। हाँ गुलाम कर, गुलाम जी अगर कार शेड इम्प्रूव करेंगे तो आप हटा देंगे यहां से। सर आप भी अपना रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या पंचायत में कितने स्कीम चलेंगे आपने? स्कीम रिकॉर्ड कहाँ पे है? दो ही नहीं सारा निकालो। आज डीएम साहब का औचक निरीक्षण था, किस किस बिंदुओं पर पंचायत में जांच हुआ? डीएम साहब के निरीक्षण में नाला, नल जल और एकमा से लेकर ताजपुर रोड जो जर्जर हो चुका है उसका जांच हुआ। डीएम ने जिला अभियंता को तुरंत काम करने का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने ताजपुर पुल का निरीक्षण किया जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी बड़ी घटना घट सकती है। इस काम के लिए डीएम साहब ने बहुत सराहना के साथ किया, धर्म डीएम को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अब तत्परता के साथ इस मामले की जाँच किया, के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बस वो अब पंचायत में डीएम साहब का कार्यक्रम था जी, किन किन बिंदुओं पर जांच हुआ? मनरेगा का जांच की है, नाली का जांच की है, जल नल का जांच की है और यही सब, रोड वगैरह का जांच भी किए हम लोग, अपना समस्या रखे उनके पास। कौन कौन सी समस्या रखे? समस्या रखे वहाँ जो
जलदापना वस्त्रालय है, वहाँ पर पानी थोड़ा सा भी होता है तो इतना लग जाता है। बच्चों को पढ़ाई जाने के लिए बहुत कष्ट होता है, पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो उसमें गिर जाते हैं। जब बरसात की मौसम आती है तो वहाँ पर ऐसा बुझाता है कि धान रोपना पड़ेगा। आपसे कई बार हम बोले थे, मीडिया साहब आपसे बताए थे कि देखिए समस्या का उछाल कीजिए, जिला में भेजवाइए, मैसेज दीजिए, तो आपने उस काम को किए कि नहीं किए आप जानते हैं। इस संदर्भ में तो हमने कई बार समाचार चलाया है, कैसे कह रहे हैं कि नहीं चला है? आप मैंने आप पर कहे कि आपके पास हम मैसेज किए कि ऐसा ऐसा स्थिति चल रहा है, श्रीमान जी थोड़ा सा आप मीडिया को हाईलाइटेड कीजिए। अब पंचायत के मुखिया हैं, डीएम साहब का कार्यक्रम हुआ, किन किन बिंदुओं पर जांच की गई और किन क्या किन का वेतन रोका गया? लगभग पंचायत स्तर पर जो भी कर्मी है सबका कार्य को देखा गया, सारे फाइल को देखा गया, जिनके जिनके कामों में कमियां पाई गई उनका उनका वेतन रोका गया। किन का किन का? जैसे पंचायत सचिव उनका योजना पंजी सही नहीं था, फाइल सही नहीं था जिसके कारण, उसके बाद पंचायत पीआरएस पंचायत रोजगार सेवक जो है उनका भी वेतन रोका गया है। ये क्या बोलते हैं हम आरटीपीएस उनको भी उनका भी वेतन रोका गया क्योंकि दूसरे खान से कार्य नहीं कर रहे थे, पंचायत में नहीं आ रहे थे। क्या नाम है? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।